ज़माने से जो है एक साथ इस तरह से करते आए हैं और कोशिश करें कि आइंदा भी जो है इस तरह से माहौल कायम रहे। तिलक लगाने से न कोई हिंदू होता है, न टोपी पहनने से कोई मुसलमान, इस बात को समझे इंसान। छठ ऐसा पर्व है कि इसमें सारा बैरियर टूट जाता है। मैं हिंदू हूँ, तू मुस्लिम है दोनों इंसान, आ तू मेरी गीता पढ़ ले, मैं तेरा कुरान। सब हम सोचेंगे कि आप झाड़ू लेके आज उतर गए सड़क पर। अरे हम तो अब झाड़ू करते करते तो यहाँ पहुंचे हैं। आज से नहीं, एकता का है ऐसा मिसाल कि पूरे बिहार में ऐसा मिसाल नहीं मिलेगा। गोरिया टोली जैसा, गोरिया टोली की जैसा। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हम पटना के गोरिया टोली में मौजूद हैं और यहाँ पे एक सबसे बड़ा मैसेज जा रहा है कि आज आपको दिख रहा होगा कि हिंदू और मुसलमान एक हैं, सब जाति एक है। रामकृपाल यादव खुद झाड़ू लगा रहे हैं, बताइए कि आज खुद सड़क पर झाड़ू लगा रहे हैं। हाँ, लगाते हैं हर साल हम लोग। बहुत दिनों से छठ ऐसा पर्व है कि इसमें सारा बैरियर टूट जाता है। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग छठ पूजा में पूरे तौर पर सफाई करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं छठ व्रतियों का। और आज आप देख रहे होंगे हमारे मोहल्ले में तो पिछले साल भी मैं आया था तो सब लोग लगा रहे थे। हैं? पिछले साल भी मैं आया था तो सारे मुसलमान भाई। हाँ हाँ हाँ, भगवान के जो ऊर्जा है जी। ये प्रकृति की पूजा है ना, ये सूर्य की पूजा क्या, प्रकृति की पूजा है और ये पूजा तो अद्भुत है ना। तो भगवान सूर्य जो है हिंदू के लिए अलग हैं, मुसलमान के अलग हैं, सिख के लिए अलग हैं, उनकी ही ताकत से तो हम सब लोग जो जीव जंतु हैं, मानव हो या जीव जंतु हो, उसमें तो भगवान की कृपा अगर एक सेकंड हट जाए, सूर्य की कृपा, तो सब समाप्त हो जाएंगे। तो सबका जीवन बचाने वाले सूर्य भगवान हैं, सबको तरक्की और आगे बढ़ाने वाले सूर्य भगवान हैं, इसलिए सबकी आस्था। लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे? लोगों को संदेश ये देना चाहते, सूर्य ये लोक आस्था का महान पर्व है। पूरे पटना वासियों को, पूरे बिहार वासियों को, पूरे देश वासियों को शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं। आज पहला अर्घ है और मैं समझता हूँ कि कल इसका समापन होगा। चार दिन का यह पर्व होता है और सबसे पवित्र पर्व होता है, सबसे बड़ा पर्व होता है। और बिहार की छठ पूजा तो दुनिया के हर कोने में अब हो रहा है, जहाँ जहाँ बिहारी हैं। तो बिहार की पहचान छठ से है, इसलिए सद्भाव बना के रखिए, सबका तरक्की हो, सुख समृद्धि हो और सब लोग आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। सब हम सोचेंगे कि आप झाड़ू लेके आज उतर गए सड़क पर। अरे हम तो अब झाड़ू करते करते तो यहाँ पहुँचे हैं। हाँ। यही काम न करते थे, अब पप्पू कर रहा है। हम करते करते यहाँ झाड़ू लगाते लगाते यहाँ तक पहुँचा दिया। और कोई नया तब झाड़ू वाला ना, हम लोग आदमी है गरीब। टोली में आपको लोग दिख रहे होंगे, मौलवी साहब से बात करेंगे, बताइए कि आज झाड़ू लगा के कैसा लग रहा है, ये बताइए। 30 साल से इस मोहल्ले में हम लोग हर साल छठ के वजह से साफ सफाई, पूरी आबादी ज्यादातर हम लोग हैं। आज से नहीं, एकता का है ऐसा मिसाल कि पूरे बिहार में ऐसा मिसाल नहीं मिलेगा। गोरिया टोली जैसा, गोरिया टोली की जैसा। सुबह से लेकर 12 बजे रात तक भी किसी को कोई मतलब नहीं है। बहुत खुशी से हम लोग यहाँ पे रहते हैं और छठ के मौके पर साफ सफाई सब कुछ। ईद के वजह में हम लोग मिलते हैं, दीपावली के वजह में हम लोग इनके यहाँ जाते हैं, ये मेरे यहाँ आते हैं, कंटिन्यू चला जाता है। आज बताइए कैसा लग रहा है आपको? हम लोग तो शुरू बहुत दिन से करते आ रहे हैं ये सब पर्व जो है, बहुत दिन से करते आ रहे हैं और गली में झाड़ू उड़ू मारते रहते हैं हम लोग बचपन से हैं। बचपन से ही। बताइए छठ पूजा में लग कैसा रहा? बहुत बढ़िया लग रहा है। सारे भाई एक साथ उतरे हैं। गोरिया टोली छठ पूजा समिति के तरफ से, गोरिया टोली के सभी नौजवान साथी, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग भाईचारा के साथ, सब लोग बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। और ये काम रामकृपाल भैया ने अपने समय में शुरू किया था, उसको बदस्तूर आज 30-35 साल से गोरिया टोली का हर नौजवान इसको बदस्तूर चालू कर रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सब लोग। चलिए मुसलमान भाई आप बताइए कि कैसा लग रहा है, चलिए आप बताइए। तिलक लगाने से न कोई हिंदू होता है, न टोपी पहनने से कोई मुसलमान, इस बात को समझे इंसान। और इसी का ये प्रतीक है
कि सब लोग आपसी क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज है ये और अच्छा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं गोरिया टोली में। हमको भी 30-40 बरस हो गया रहे हुए, काफ़ी यहाँ सद्भावना है। सब लोग मिलजुल के एक दूसरे के पर्व में खुशी मनाते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। यही पैगाम है। चले छठ पूजा में आप हाथ में झाड़ू लिए, दिखा दीजिए पहले लोगों को। देखिए हाथ में झाड़ू, आप बताइए आज। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग कुछ ज़माने से जो है एक साथ इस तरह से करते आए हैं और कोशिश करें कि आइंदा भी जो है इस तरह से माहौल कायम रहे। माहौल कायम रहे जी। लोगों को विश कैसे करिएगा, सबको बधाई कैसे दीजिएगा? बहुत बहुत बधाई हो सबको छठ का, और हर तरफ जो है शांति अमन हो। चलिए बताइए कि सब लोग आज एक मैसेज दे रहे हैं। देखिए, गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखने में गोरिया टोली अग्रणी भूमिका पटना में निभाता रहा है और निभाता रहेगा। और हमारे बड़े भैया वराम कृपाल भैया हैं, पप्पू भैया हैं, सब लोग हैं। और समझिए कि पटना के जितने भी यहाँ पर दुकानदार भाई लोग, अधिकतर मुस्लिम भाई लोग हैं, सनाउल्ला भाई हैं, तनवीर भाई लोग हैं, सब लोग हैं। गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखने में गोरिया टोली का बहुत अहम योगदान। और एक मैसेज और देना चाहते हैं, इसी बात में बोलना चाहता हूँ, मैं हिंदू हूँ तू मुस्लिम है दोनों इंसान, आ तू मेरी गीता पढ़ ले मैं तेरा कुरान। और हमारे लालू नीतीश जी का यही है अरमान कि एक थाली में खाए सारा हिंदुस्तान। चलिए आप बताइए क्या बोलना चाहेंगे आज, क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। देखिए, लोक आस्था के इस महापर्व में हमें सबसे ज्यादा गर्व है। गोरिया टोली के लोगों ने पिछले 30-40 साल से जो कृपाल चले, जो संस्कृति चालू की थी, उस संस्कृति को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सभी धर्म के, सभी जात के, सभी वर्ग के लोग मिलकर सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं कि मिल के रहो, सबका साथ सबका विकास। चलिए और भी लोग हैं, बताइए। आज झाड़ू सबके हाथ में है और बताइए कैसा लग रहा है? ये तो हर साल का नियमानुसार चला आ रहा है। वही मैंने पिछले साल भी आपको बोला था कि आप लोगों के लिए हो सके ये नई बात हो सकती है, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए ये चला आ रहा है, चलता रहेगा। आगे अगले साल भी आइएगा तब माहौल इससे अच्छा ही दिखेगा, इससे अच्छा ही दिखेगा, इससे ज्यादा अच्छा। गोरिया टोली के जितने लोग यहाँ पे मौजूद है उन्हीं से बातचीत कर लेते, बताइए कि ये मैसेज, ये छठ पर्व जो व्रत है और पर्व है, ये साफ सफाई का व्रत है। और हम लोग राम कृपाल भैया के नेतृत्व में जब से होश संभाला है, जब से यही देखते रहा है, इस मोहल्ले में भाईचारा एकदम कायम है। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं और हम लोग हमेशा साफ सफाई में बहुत ही ध्यान रखते हैं, और छठ का यही मतलब ही होता है। आज सारे भाई एक साथ झाड़ू लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग छठ के मौके पर हर साल इसी तरह से गोरिया टोली में करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए देखिए, आपको दिख रहा होगा कि सारे गोरिया टोली के जो लोग हैं वो हाथों में झाड़ू लेके हैं। बताइए कि आज मैसेज क्या दीजिएगा? पहले तो पूरे बिहार वासियों को छठ पूजा की हार्दिक बधाई और गोरिया टोली समस्त परिवार के ओर से भी, और यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के यहाँ झाड़ू सब एकता है और यहाँ सब मिलकर हम लोग। चलिए ये एकता है, ये एकता है। आप बताइए कि लगता कैसा है? चलिए आप बताइए, हाथों में झाड़ू है, लगता कैसा है गोरिया टोली का छठ? बहुत अच्छा लगता है। पिछले 5 साल से हम साफ सफाई कर रहे हैं सर। पिछले 5 साल से सीनियर लोग के साथ हमेशा यही मैसेज मिलता है कि स्वच्छता के साथ हमेशा रहना चाहिए। चलिए बताइए कि जो आप लोग हैं गोरिया टोली में, कब से ऐसा होता है कि सारे लोग, जितने भी लोग हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, सब लोग साथ में झाड़ू लगाते हैं? जी हाँ, हमारा नाम मोहम्मद आफ्ताब हुआ जी। अभी लगाइएगा? हाँ लगाएंगे, हम लोग का ये आस्था का पर्व है छठ। हाँ। और हम लोग खुशी खुशी इस पर्व को हम लोग इज्जत और सम्मान के साथ मनाते हैं और सब लोग मिल करके यहाँ पे झाड़ू। मतलब कि सब लोग बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं हम लोग, सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुशी का माहौल है। बस महापर्व हुआ, यही इसी को महापर्व कहा गया कि सब एक, सब एक। चलिए देखिए, गोरिया टोली में हम मौजूद थे और आज महापर्व का मतलब आपको भी समझ में आ गया होगा कि हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, सब लोग एक हैं। आज गोरिया टोली में आपको दिख रहा होगा कि जितने भी लोग हैं वो हाथों में झाड़ू लिए हैं और अपना गली साफ कर रहे हैं। देखिए दिखा भी रहे हैं कि आज साफ कर रहे हैं सब लोग मिलके, और सबका यही कहना है कि सूरज एक है तो लोग इतने क्यों। जी हाँ, सबका ये कहना है कि देखिए, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, हम सब भाई एक हैं। और मैसेज क्या दिए हैं वो आपने देख लिया, और रामकृपाल यादव खुद झाड़ू लगाते लगाते बहुत बड़ा मैसेज दे दिया वो आपने सुनी लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिजिक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।